जो लोग सोच रहे थे कल का जो रिजल्ट था, लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, बहुत जगह जुलूसे भी नहीं निकली। जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको माना, बहुत अच्छा है। हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, हम लोग ना लड़ाई के लिए ना झगड़े के लिए, हम लोग अमन प्यार के लिए बहुत आगे हैं। सोच लिया कि हमने ठान लिया जो भी फैसला आएगा वो हम मान मंजूर, क्योंकि मुल्क का आइन जो है सबसे ऊपर है। किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को कभी तकलीफ, किसी का दुख हमेशा दूर करना है, मतलब किसी को तकलीफ नहीं देनी है। ये इसी तरह जारी रहेगा और मुल्क इसी तरह तरक्की करता रहेगा। अभी अमन और पैगाम बांटते थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के इलाके बाड़ा हिंदुराव, जहाँ इस वक्त ये तारीखी जुलूस ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, क्योंकि आज माना जा रहा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, पैदाइश का दिन है। तमाम मुसलमान इस वक्त एक साथ मिलकर आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि ये बताया जा रहा था, ये माहौल देखा गया था कि कल बड़ा फैसला आया है, तारीख की फैसला आया है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। लेकिन आज मैं जहां मौजूद हूं, उस पूरे फैसले का कहीं से कहीं तक कोई असर नजर नहीं आया है। जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आज का जो ये तारीखी जुलूस है यहां बाड़ा हिंदुराव का, कहां से ये जुलूस आपका होता हुआ जाता है, कहां ये जुलूस ख़त्म होता है? ये यहां से शुरू होगी, ये फतेहपुरी होते करते जामा मस्जिद जाएगी, वहां फिर नमाज होगी, उसके बाद फिर वहां से जुलूस वापस होते हैं। अच्छा, रास्ते में आप किस तरह के अमल अंजाम देते हुए जाते हैं, किस तरह के नारे आप लोग लगाते हैं? बहुत प्यार से, ये ईद ये ईद ही है। जैसे ईद में हम लोग खुशी मनाते, उसी बड़ी ये ईद है, हम लोग खुशी का पैगाम देते हैं, ये ईद ही है मुसलमानों के लिए। ये ईद बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ा खुशी के दिन है ये, और इस दिन में जो है अल्लाह की इबादत करना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, कलमा पढ़ते चलना चाहिए, और यही है अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद करते रहें। अच्छा। आज वो दिन है। तो किस तरह के नारे आप लोगों के होते हैं, वो भी एक बार मैं जानना चाहूँगा। नारे तकबीर वही है, नबी का जो सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, यही नारे होते हैं, बहुत अदब से और प्यार से होते हैं। अच्छा, रास्ते में जो आप लोगों के साथ जो हिंदू लोग होते हैं, हमने सुना है कि वो भी आपके इस जुलूस में शामिल होते हैं और वो भी सबीले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं? जी जी, पूरा उन लोग भी सिरनी बांटते हैं, लंगर देते हैं, वो बहुत प्यार का, ये इतनी प्यार तो वो ईद है, ये समझो बहुत बड़ी ईद है। तो यानी जो नफ़रत का एक माहौल फैलाने की कोशिश की जाती है, तो आज का जो ये एक जुलूस है ईद मिलादुन्नबी का, ये जुलूस बड़े प्यार से उस नफ़रत के मुंह पे एक तमाचा है। जी जी जी। तो आप लोग जिस तरह से इस जुलूस को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में जो आपके साथी जो हमारे भाई हैं हिंदू लोग, वो किस तरह से आपके साथ व्यवहार पेश आते हैं? बराबर चलते हैं, जैसे मुस्लिम जैसा मिलजुल के चलते हैं, भाई भाई अपने वापस में बातचीत करते हैं, से आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जी जी, ये कुछ जी, कोई ख़ास पैगाम आज के जुलूस का क्या है? ये ख़ास पैगाम तो जो लोग सोच रहे थे कल का जो रिजल्ट था, लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, बहुत जगह जुलूसे भी नहीं निकली, समझे ना, तो ये एक पैगाम भी है कि हम लोग ठीक है, जो जो हुआ सो हुआ, हम लोग जो जिस मकसद के लिए हैं, हम लोग ना लड़ाई के लिए ना झगड़े के लिए, हम लोग अमन प्यार के लिए बहुत आगे हैं। इससे मुसलमान तो इस बात को पहले ही कह चुके थे और बार बार मस्जिदों से भी ऐलान हो रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आँखों पर होगा। जी जी, वो ये उनका फैसला है, तो वो पहले ही बोल चुके हैं, सब जो भी है ये तो कानून के दायरे में रह के हुआ, जो भी हुआ है तो वो तो उस चीज़ का कोई असर देखने को नहीं मिला कि कल इतना बड़ा तारीखी फैसला आया है। आपका क्या कहना है इस आज के जुलूस को लेकर और कल जो फैसला आया है? नहीं, ठीक है, बढ़िया है और अच्छा लगा कि सब जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको माना, बहुत अच्छा है। हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक ऐसा पैगाम देते हैं, फिर आज ईद का दिन है और हम लोग जुलूस लेकर जाते हैं तो अच्छा लगता है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, हमें कोई किसी को परेशानी नहीं करनी है, नारे लगाना है या कुछ भी करना है, तो अच्छा लगता है इस बारे में। अच्छा, आप लोगों के साथ हिंदू लोग भी शामिल होते हैं जुलूस में, ऐसा सुना है हमने? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, वो लोग हमारा स्वागत करते हैं और रास्ते में कहीं पर भी मिलते हैं, लाल कुएं से लेके जामा मस्जिद चांदनी चौक से हम होते हुए जाते हैं, तो अच्छा लगता है,
प्रेम से हमारे साथ वो मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब आपका ये जुलूस निकलता है या मुसलमानों का कोई और जुलूस होता है तो हिंदू जिस तरह आगे आते हैं, क्या हिंदुओं के जो जुलूस होते हैं उसमें आप लोग भी, मुसलमान भाई भी इसी तरह आगे आते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग उनका स्वागत करते हैं चाहे वो कहीं से भी जुलूस लेकर जाएँ। अगर उनका जुलूस बाड़े से निकलता हुआ जाता है, हमारी मस्जिद के आगे से निकलता हुआ जाता है, तो हम भी उनका इसी तरह स्वागत करते हैं। जो हमारे एरिए के जो बड़े लोग हैं, जो जाने लोग हैं, तो वो सब उनका स्वागत करते हैं। हम लोग बड़े उससे मिलते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या कल का जो फैसला आया, बड़ा तारीखी फैसला था, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का दिन जो कि इतना बड़ा दिन है, हज़रत मोहम्मद की विलादत का दिन है, आज जो ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही थी कि बहुत फ़र्क पड़ने वाला है जो फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मतलब हम तो जब सोच लिया कि हमने ठान लिया जो भी फैसला आएगा वो हम मंजूर, क्योंकि मुल्क का आइन जो है सबसे ऊपर है, वो कोई मज़हब और धर्म से मुताल्लिक नहीं है, हुकूमत और ये भी सब पीछे है। मतलब जो सबसे आगे जो है वो मुल्क का कानून है, हमारी अदलिया है, हमने एक्सेप्ट करा है और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी पहले से ही। हमने मुल्क लोगों को संभाल रखा था कि ऐसा कोई इंतज़ाम खराब नहीं हो, माहौल का खराब ना हो। मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे, जो इमाम हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं वो ऐलान कर रहे थे। वही आप देख लीजिए, आज के दिन सारे हिंदू मुसलमान सब भाई बड़ी खुशी से और ये त्यौहार मना रहे हैं। और बड़ा अच्छा आप लोगों का ये जो आज हमने मंच देखा है, ये बहुत एक आगे जाने वाला पैगाम है कि हर सियासी नेता इस मंच पर था, हर पार्टी का, और हिंदू मुसलमान सिख सब इस मंच पर थे। बेशक, और ये इसी तरह जारी रहेगा और मुल्क इसी तरह तरक्की करता रहेगा। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई अहम पैगाम जो पूरी दुनिया को जाना चाहिए वो क्या है? वो यही है कि सब इंसानियत सबसे बढ़कर है और सारे पूरी दुनिया में जो है ना इस इंसानियत के साथ चलना चाहिए और सब एक हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक एक बात ये मैं सबसे पूछ लेता हूँ, हुजूर की ज़िंदगी का जो कोई एक पैगाम आप बताना चाहें? उन्होंने हमेशा यही कहा कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, किसी को कभी तकलीफ़, किसी का दुख हमेशा दूर करना है, मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है और सबके साथ प्यार से रहना है। सबसे पहला पैगाम उनका यही है कि जो अपना अखलाक है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरे के साथ पेश आना है, किसी को गलत बात नहीं बोलनी है, किसी को कोई परेशान नहीं करना, हमेशा दूसरे की परेशानी है उसको हमेशा दूर करना, ये सबसे पहला पैगाम। नबी का यही एक फरमान है, जब उन जब उस पे तकलीफ़ दिया जाता था वो खुशी बांटते थे, प्यार बांटते थे, प्यार देते थे, तो अब हम उनके मानने वाले हैं तो उनके कुछ देखे, किससे सुने, पढ़े, उससे तो सीखे, तो यही है कि नबी अमन और पैगाम बांटते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए न्यूज़ मैक्स से। तो आपने देखा इस वक्त बाड़ा हिंदुराव के इलाके के जो लोग हैं वो इस वक्त हमसे मुखातिब थे, हमसे बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है। और आपने भी देखा होगा कि इस वक्त जो प्यार मोहब्बत आज इस मंच से बांटा गया, आज इस स्टेज से बांटा गया, और आज जो ये पब्लिक नीचे बैठी हुई थी, जो लोग नीचे बैठे थे, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें हिंदू भी शामिल थे, इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे, सब लोग इसमें शामिल थे। तो एक बहुत खूबसूरत पैगाम, एक बहुत अच्छा पैगाम आज के इस प्रोग्राम से दिया गया, ईद मिलादुन्नबी के जो ये जलसा है इससे दिया गया। ये अपने तारीखी रास्तों से होता हुआ आज का ये जुलूस दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, ख़त्म होगा। और रास्ते में बहुत अच्छी ये बात इन्होंने यहाँ बताई कि रास्ते में जो हिंदू लोग हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी जुलूस की पजीराई करते हैं, जो जुलूस में शामिल हुए लोग हैं उनके लिए फिरनियाँ बाँटते हैं, पानी की सबीलें लगाते हैं। तो इस वक्त ये एक बड़ा पैगाम है, जो शरारती तत्व हैं, जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा पैगाम है और एक इबरत है, एक सबक है, दर्स है कि वो इससे दर्स लें, इससे पैगाम लें कि जिस तरह मोहब्बत फैलाने का एक पैगाम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दिया गया था, उसको आम करने की ज़रूरत है, उसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, लोगों में फैलाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस जो इस वक्त पूरी तरह से तैनात की गई है, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं आज के इस जुलूस के लिए, ताकि कोई भी शरारती तत्व और कोई भी इस तरह के लोग जो माहौल को ख़राब करते हैं वो माहौल ख़राब ना कर पाएँ और उन पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ठोस और पुख्ता कार्रवाई होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।